जय महाराज जी की। इस वॉक थ्रू के माध्यम से आप पंजाब में दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के नूर महल स्थित सत्संग आश्रम में निर्माणाधीन इस भव्य दिव्य दर्शन भवन की पूरी जानकारी प्राप्त करने जा रहे हैं। ऐसा शांत प्राकृतिक प्रतिवेश इसकी भव्यता को चार चांद लगाएगा। आप दिव्य दर्शन भवन का विहंगम दृश्य देख रहे हैं। इस भव्य दिव्य दर्शन भवन में प्रवेश करने के लिए दो द्वार होंगे। भवन का बाहरी उद्यान ऐसा होगा। इस उद्यान का मुख्य आकर्षण केंद्र होगी ध्यान साधना में लीन ब्रह्मज्ञानी साधक की यह प्रतिमा। साधक अपने भीतर जिस परम शांति का अनुभव करता है यह प्रतिमा उसको दर्शाएगी। इस उद्यान में प्राकृतिक छटा बिखेरते सुंदर पेड़ पौधों के मध्य दर्शनार्थियों के लिए सुखद लॉन व गजीबो हैं, जहां बैठकर इस भव्य भवन का सुंदर नजारा देखा जा सकता है। आप बाहरी दृश्यों से ही इसकी भव्यता का स्वयं अनुमान लगा सकते हैं। दिव्य दर्शन भवन की यह इमारत युगों युगों से चली आ रही गुरु शिष्य परंपरा की संवाहिका होगी। दिव्य दर्शन भवन का प्रवेश द्वार खुलते ही सामने दिव्य गुरु श्री आशुतोष महाराज जी का विराट स्वरूप लगाया जाएगा। उन्हें प्रणाम कर प्रत्येक जिज्ञासु आंतरिक लोक की यात्रा का शुभारंभ करेगा। प्रवेश द्वार के निकट पादुका एवं गठरी घर का निर्माण होगा, जहां आगंतुकों का सामान व मोबाइल फोन इत्यादि जमा करवाए जाएंगे। आगे हाथ धोने व पीने के लिए स्वच्छ जल का प्रबंध किया जाएगा। यहां भाई बहनों के लिए खुले व हवादार शौचालयों की व्यवस्था होगी। परिसर की शोभा बढ़ाने के लिए अलग अलग प्रकार के अनेक पौधे लगाए जाएंगे, जो कि परिसर की शोभा बढ़ाने के साथ साथ वातावरण को भी शुद्ध रखने में सहायक होंगे। ज्ञान दीक्षा के उपरांत आह्लादक वातावरण में प्रसाद वितरण की व्यवस्था के लिए प्रसाद वितरण काउंटर होगा। परिसर का सुव्यवस्थित संचालन करने हेतु कार्यालय होगा। संचालन कार्यालय का भीतरी भाग कुछ ऐसा होगा। इस भवन के पिछले भाग में प्राकृतिक छटा को मुखरित करता हरा भरा उद्यान होगा, और यहां संगत बैठकर श्री महाराज जी से भेंट वार्ता कर सकेगी। यहां एक ऐसा अतिथि कक्ष भी होगा, और यह है दिव्य दर्शन भवन का मुख्य हॉल। जैसा कि आप तस्वीरों के द्वारा देख पा रहे हैं, मंच पर श्री गुरु महाराज जी का सिंहासन सजा हुआ है। किसी विशेष कार्यक्रम के आयोजन के दौरान वीडियो प्रेजेंटेशन के लिए बड़ी एलईडी वॉल की सुविधा होगी। हॉल में ध्यान करने के लिए प्रत्येक साधक के लिए योगपट एवं आसन प्रदान किए जाएंगे। वृद्धों व दिव्यांगों की सुगमता के लिए आरामदायक कुर्सियों की व्यवस्था होगी।
इस पूर्णतया वातानुकूलित हॉल को विविध चित्रों से अलंकृत किया जाएगा। यहां भाई बहनों के लिए अलग अलग सज्जा कक्षों की व्यवस्था होगी। वीडियो कंट्रोल रूम का भी प्रावधान होगा ताकि मंच द्वारा प्रसारित विविध गतिविधियों की वीडियोग्राफी और प्रेजेंटेशन में किसी प्रकार की कोई त्रुटि ना हो। यह ऑडियो कंट्रोल रूम है जहां अत्याधुनिक साउंड सिस्टम का प्रबंध किया जाएगा। इन तस्वीरों के माध्यम से रात्रि में इस दिव्य दर्शन भवन की झलक दिखलाने का प्रयास किया गया है और बरसात में इस भवन का अद्भुत दृश्य भी आप देख पा रहे हैं। इस भव्य दिव्य दर्शन भवन के निर्माण कार्य में संगत के पूर्ण सहयोग की आशा है। श्री गुरु महाराज जी की असीम प्रेरणा व अनुकंपा से इसका निर्माण कार्य दिसंबर 2022 तक संपूर्ण हो जाएगा। श्री सतगुरु महाराज जी की जय। सच्चे दरबार की जय।